Good afternoon, class 6. I am Harsh, your mathematics teacher. I welcome you after Makar Sankranti to the class of mathematics. आज अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 76, एग्जांपल 2. अपन फ्रैक्शंस का चैप्टर ले रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज भी थे अपन. आज देखते हैं अपन कौन सा पेज नंबर 76 पढ़ी है. एग्जांपल नंबर 2, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रहे थे अपन कल तक. प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये अपन ने कल पढ़ के देखा था. आज अपन पढ़ेंगे एग्जांपल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड फ्रैक्शंस ऐसे बनाते हैं, देखिए एग्जांपल 2 दे रहा है. पार्ट 1 है 10/3. 10/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपन 10 को 3 से डिवाइड कर देते हैं. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए 10 को 3 से डिवाइड करते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 3, इसके बाद आता है 3 * 9 कैसे होगा, ये डिविजर है, ये पोषण है, ये रिमाइंडर है. रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, पोषण यहाँ आ जाता है, डिविजर नीचे आ जाता है. 3/3 यानी कि 10/3 का ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन हुआ है. इसी तरीके से अपन लेते हैं 11/5. इलेवन को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा, 5 टू 10 माइनस किया, 1 यहाँ आ गया. अब सिर्फ फॉर्मूला से करेंगे, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, डिविजर नीचे आ जाएगा, क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा. 2 + 5 अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, तो हम 2 1/5 ऐसे निकाल सकते हैं. ये मिक्स एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया. इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट लेते हैं अपन, 17/5 से 17 को डिवाइड करेंगे, 5 * 15 उल्टा 2, डिविजन आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 + 3/5 मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया. अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 बुक में देखिए. राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं. 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं. डिनोमिनेटर 7 ले लिया, ऊपर 8 ले लिया, 8 ले लिया 9/7, 10/7, 11/7 एंड 12/7, 13/7 एक्सेट्रा. ये 5 से ज्यादा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 हो गए. एग्जाम्पल 1 और 2 अपन एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं, पेज 76 पे. नंबर लाइन पे वैल्यू को शो करना, मैं क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आपको खुद को करना पड़ेगा. नंबर लाइन पे कैसे डिस्प्ले करते हैं, नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 पेज 77 क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ. गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज नंबर न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 11. न्यूमरेटर वन पहला पार्ट है, इसका न्यूमरेटर दे रखा 5, डिनोमिनेटर 11, हुज डिनोमिनेटर बिटवीन एंड न्यूमरेटर इज 7. न्यूमरेटर 7 दे रखा है, ऊपर की वैल्यू 7, नीचे की वैल्यू दे रखी है 15. थर्ड दे लेते हैं अपन,
through whose numerator denominator add up to 9, how many fraction of this kind can you make? Numerator denominator add up to 9. Here we have 4 plus 5, 3 plus 6, 2 upon 7, 1 upon 8, 0 upon 9. 5 upon total, total 5 fractions will answer the answer. Whose numerator and denominator add up to 9. दोनों का numerator और denominator का sum जो है वो 9 होना चाहिए. अपन ऐसे कितने fraction बना सकते हैं ये पूछा है. एक हो जाएगा 4 upon 5, 3 upon 6, 2 upon 7, 1 upon 8, 0 upon 9 total. 5 fraction अपन ऐसे बना सकते हैं. ठीक है boys girls. Express the following as mixed fractions. अभी mixed fractions करके दिखाया था, आपको pattern पे करना है आपको इसको. थोड़ा क्वेश्चन तो हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिए. उनके बेसिक अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में सारे. Express the following as mixed fractions. 21 upon 4. डिवाइड करेंगे इसको 4 से, 4 फाइव का 20 एंड 0 हुआ, सॉरी माइनस हुआ, 1 आया. यहाँ हो जाएगा अपना 1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1, ऊपर चला जाएगा रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा. 4 फाइव का 20 प्लस 1 20 अपॉन 4 जिसका आंसर आ गया. इसी तरीके से इसका मैं लेता हूँ 4, 35 upon 9. 9 से इसको डिवाइड करेंगे 35 को. 9 3 जा 9 4 जा 36 होता, 9 3 जा 27 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा 8. 3 प्लस 8 बार 9 मिक्स फ्रैक्शन इसका आंसर हो जाएगा. आंसर आ गया 75 प्लस 2 अपॉन 7 फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया गया इसको. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन करिएगा. अब क्वेश्चन लेता हूं मैं 5. एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रॉपर फ्रैक्शंस. 2 5 upon 6, 2 plus 5 upon 6. कैसे करेंगे इसको? 6 2 जा कितना होता है? 18, 18 plus 5, 23, 23 upon 6 पहले आएगा आंसर. दूसरा है 3 plus 2 upon 5. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 प्लस 2 पर ऐड हो जाएगा 17, 17 अपॉन 5 अपना आंसर आएगा. इस तरीके से इसका 6 लेता हूं मैं 25, 4 अपॉन 6. 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 150, 150 प्लस 4, 150 प्लस 4 अपॉन 6, 154 अपॉन 6 आंसर आएगा. ऐसे अपन निकालेंगे. इस क्वेश्चन में आप बोल करके देखिएगा. राइट 4 इंप्रोपर फ्रैक्शन पर डिनोमिनेटर 13.
पेज 77 में देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन जो होते हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, सारे में फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो वो सारे सेम वैल्यू को आ जाएंगे। एग्जांपल दे रहा था 1/2, इसी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों से 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4। इस तरीके से 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा 3 × 3 जाएगा 6 × 6। 1/2 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जगह सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 × 4 = 8। एक्सेट्रा, ये जो नंबर वैल्यू आती है सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती है। जैसे कि 1/2 तो 1/2 है, इसको दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2/4 आया, सिंप्लीफाई करेंगे वापस 1/2 आ जाएगा, 2 × 2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू है अपने पास 3 × 3 = 6, 4 × 4 = 8। सिंप्लीफाई करेंगे वापस अपने को 1/2 ही रिसीव होगा। इस तरह के फ्रैक्शन जो है वैल्यू इक्विवेलेंट होती है, समान होती है, सेम होती है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। एग्जांपल दे रखा पेज 7 में बॉटम में, व्हाट द फ्रैक्शन, राइट द फ्रैक्शन, आर ऑल दीस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। एग्जांपल फर्स्ट एट में आपके लिए पहला पॉइंट दे रखा है, कर्व दे रखा, सर्कल दे रखा है आपको, जो 1/2 है, दो पार्ट है, इक्वल 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इक्वल इंटरसेक्ट रहता है 1/2। दूसरा दे रखा है 2/4 वाला सर्कल दे रखा है, और में से 2/4 फ्रैक्शन जो है शेडेड है, यानी कि ये कलर किया हुआ है। इस तरीके से थर्ड पार्ट में देखिए 4/8 पार्ट है, थर्ड में थर्ड पार्ट जो फिगर का रहेगा 4/8 है, और दूसरे वाले में तीसरे वाले में 3/6 है, फोर्थ वाले में 4/8 है। 1/2 तो है, 2/4 यानी कि इसको रिड्यूस करेंगे 1/2 आ जाएगा, थर्ड वाले फिगर में 3/6 है तो रिड्यूस करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 के इक्विवेलेंट है, समान है बिल्कुल, उसका उसी वैल्यू के इक्वल आई है, दोनों सारा फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, सॉल्यूशन दिया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर अगला लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। Example 2, are 2/5 and 2/9 equivalent, give reason. Now, two by five and 2/9, they are not equivalent. Figure बना के देख सकते हैं, पर एक दो तीन चार पांच, पांच में से दो पोर्शन शेडेड है, शेडेड है, बाकी पोर्शन अनशेडेड है, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 2/9 आएगा। तो लाइन में से टू पोर्शन को शेड करोगे वो बहुत कम रेशो होगा, बहुत कम अनुपात होगा या बहुत कम फ्रैक्शन होगा, कि 2/5 इज नॉट इक्वल टू 2/9। अगला पोर्शन पूछता है, ये बुक पे देखिए क्वेश्चन, आर 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट, यस, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम, की सिंप्लीफाई करें 2/9 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 × 3 = 6, 3 × 27 =
जबरन निकल के आता है, इसलिए दोनों फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 6.727 और 2.9, यस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 आप करिएगा। एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रोसीड टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद द सेम नॉन जीरो होल नंबर। किसी नंबर फ्रैक्शन नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना हो तो उसको या तो मल्टीप्लाई किया जाता है किसी होल नंबर से, या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, वो नंबर जो कि जीरो नहीं है, होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है, जीरो शामिल होता है तो उसको काम में नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल वन है आपका 2.5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 2.2 × 5 × 2 कितना आ जाएगा अपने पास? 4/10। 5 निकाल लेंगे तो 2.5 अगली वैल्यू तो हो जाएगी 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इट विल द सेम 3/15। फिर 2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 4/14 और 2/8 4/20। ऐसे अपन आगे से आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं 2.5 के 3.5 दोनों के। देखिए 2.5 है, अगली वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया, 3 × 5 = 15 आ गया, 2 × 4 = 8 आ गया, 5 × 4 = 20 आ गया। इस तरीके से 4, 5 में आप जितने नंबर ऑफ फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर तक आप निकालना चाहते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो निकाले जा सकते हैं। Find the equivalent fraction of 5/6 having denominator 24. Find the equivalent fraction of 5/6. 5/6 दे रखा है, इसको ऐसे equivalent fraction बदलना, इसका denominator 24 हो। Denominator 24 करने के लिए क्या करेंगे? 5 × 4, 6 × 4, पर नीचे 4 से multiply करेंगे तो देखिए क्या आता है, 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 20, 20/4 इसका आंसर आ गया। उसमें पूछता है न्यूमरेटर 10 हो जाए, न्यूमरेटर 10 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह पर नीचे से, 5 × 10, 6 × 2 = 12, ये अपना आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर 30 हो जाए, 5/6 × 30 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, न्यूमरेटर 25 लाने के लिए 5/6, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 25 हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा 30, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, डिनोमिनेटर 30 करने की जगह डिनोमिनेटर 30 कर दिया इसके ऊपर, वो गलत छपा हुआ क्वेश्चन में या आंसर में गलत छपा हुआ, दोनों में से एक जगह मिस्टेक है, एरर है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ठीक है, बात समझ में आया करता। अब अनदर प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए वो
आज की क्लास यही फिनिश होती बॉयज को, तब तक के लिए आप कल तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।